नमस्कार, आप देख रहे मालदा बाजार टीवी। में इस वीडियो में बताऊंगा दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी का सब्जी का भाव। तो वीडियो को अंत तक देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कौन सा सब्जी क्या भाव बिका है दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी में। तो सबसे पहले बात करते हैं गाजर का। गाजर बिका है 800 से लेकर के 1000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। भिंडी बिका है 4500 से लेकर के 5000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। बैंगन बिका है 1000 से लेकर के 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। टमाटर बिका है 800 से लेकर के 900 रुपये प्रति कुंटल का हिसाब से। नींबू बिका है 3000 से लेकर के 3600 रुपये प्रति कुंटल का हिसाब से। सेम बिका है 3000 से लेकर के 3200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। फूलगोभी बिका है 400 से लेकर के 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। पत्ता गोभी बिका है 300 से लेकर के 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। करेला बिका है 3000 से लेकर के 3600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। घिया बिका है 1300 से लेकर के 1600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। कच्चा पपीता बिका है 800 से लेकर के 1000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। सीताफल बिका है 1200 से लेकर के 1300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। जीबीकंद बिका है 1800 से लेकर के 2000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। हरा मिर्ची बिका है 3000 से लेकर के 3600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। कच्चा अदरक बिका है 2000 से लेकर के 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। हरा धनिया बिका है 700 से लेकर के 800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। हरा मटर बिका है 800 से लेकर के 1100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। बीन्स बिका है 2000 से लेकर के 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। शिमला मिर्ची बिका है 2000 से लेकर के 2400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। बीट बिका है 800 से लेकर के 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह रोज़ाना जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जब भी हम यहाँ से वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं चैनल पे ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। नमस्कार।